हेलो एवरीवन। तो फाइनली बच्चों, आप सभी का अभी एक रिसेंट में वीडियो डाला था जिसमें आपको सब कुछ समझा दिया कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से करने हैं, हमें 2 नंबर के कहाँ से करने हैं, 3 नंबर के कहाँ से करने हैं, 4 नंबर के कहाँ से करने हैं। तो बहुत सारे बच्चे डाउट्स में थे कि भैया ऐसे हमें कहाँ में लेंगे 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन। तो देखो, अभी जो रिसेंट में वीडियो आती जाएंगी उनको करते चलना, ठीक है। लेकिन अपने मन से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब के भरोसे उतना नहीं रहना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो एक अब कॉपी उठाओ, ठीक है, अभी जाकर तुरंत कॉपी उठाओ, उसमें मतलब उसमें ऐसा समझना कि जो तुम्हारी बायो की कॉपी उसी के आगे से शुरू कर देना, ठीक है। अब उसमें डालो, कॉपी के पेज नंबर पर डाल दो 2 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। और 2 नंबर वाले प्रश्न तुम्हें करीबन ये समझ लो कि 40 तक लिखना है, 40 से ऊपर नहीं जाना है अपन को, ठीक है। 40 प्रश्न जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद अपन को नहीं लिखना है। उसमें तुम लोग ऐड कर लो ये क्वेश्चन, लाइकेन क्या है, ठीक है, द्वि निषेधन से आप क्या समझते हैं, दोनों अथवा सहित करते चलेंगे अपन, ठीक है, पूरे पूरे करते चलेंगे। और जैसे ही 40 कंप्लीट होते हैं, अगर 2 नंबर के जहां से भी मिलते हैं हमें, ठीक है, जहां से भी यूट्यूब से या हमें अपनी खुद की गाइडों से, तो वहां से हमें करते चलना है, ठीक है। अब क्योंकि ऐसा है कि सिर्फ बेटा एक ही दिन का टाइम बचा है, तो हमें तो ये नहीं देखना है कि हमें कहाँ बिल्कुल सही चीज मिल रहा है, जो कोई भी यूट्यूबर बता रहा है या कोई भी बता रहा है, ठीक है। आपको करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें अपने रिजल्ट से मतलब है, हमें वो नहीं करना, हमें ज्ञान नहीं लेना है, ठीक है, हमें समझना नहीं है चीजों को, हमें तो सिर्फ पेपर निकालना है ना, मार्क्स अचीव करने हैं। तो ठीक है, यहां से तुम्हें दोनों क्वेश्चन लेना, इनके आंसर निकाल लेना फटाफट से, ठीक है। पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए और जाइलम एवं फाइलम के एक एक कार्य लिखिए। 2 नंबर के अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन यहां से निकल गए। उसके बाद 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और आ जाते हैं, जड़ों के 2 कार्य लिखिए। फिर केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों माना जाता है, ठीक है, 2, 6 क्वेश्चन ये मिल गए। लिखते चलो, हद से हद में अपन ने देख लिया था 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे पूरे 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करने में, है ना। ऐसे बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे याद नहीं करना पड़ता, हमें पढ़ते ही समझ आ जाती है, ठीक है। अतः मतलब अंतः स्त्रावी जालिका के 2 कार्य लिखिए, ठीक है, या राइट टू फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद जीव द्रव्य विभाजन तथा केंद्रक विभाजन में 2 अंतर, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरनोकेसिस एंड साइटोकेनेसिस, ठीक है। उसके बाद जीव विनिमय क्या है, व्हाट इज क्रोइंग ओवर, एंड प्लाज्मिड क्या है, और जीवाणु में इसकी क्या भूमिका, यानी कि व्हाट इज प्लाज्मिड एंड व्हाट्स द रोल इन ऑफ इट इन बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर का एक और आ जाता है, ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए और प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए एवं समीकरण भी लिखिए, ठीक है। 2 नंबर के हमारे होते चल रहे हैं। इसके बाद 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्वेश्चन लास्ट है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता था और शलाका कोशिका शंकु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। अब यहाँ से हमें कितने क्वेश्चन मिल गए, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 2, 14 क्वेश्चन अपन ने निकाल लिए। अब ऐसे ऐसे करके अपन को कितने क्वेश्चन निकालने हैं बेटा, 40 क्वेश्चन। एंड जब तुम 40 क्वेश्चन निकालोगे तो तुम्हें बार बार वही रिपीट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, जो कि तुम्हारे इस साल भी रिपीट हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें याद रखना है, अब जैसे 40 क्वेश्चन यहाँ, वो 14 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिए, अब सेट ए और सेट बी इनसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन निकालो, ठीक है, इनसे 14-14 निकल आएंगे। और जो कॉमन रहेंगे बेटा, तो उनको कॉमन को अपन को दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है, एक बार ही बस लिख लेना है। अब रही बात आंसर की, तो आंसर तुम्हें लिखना नहीं है कि मान लो तुमने लाइकेन क्या है, अब उसका आंसर भी लिख रहे हो। अगर तुम्हारी बुक में कहीं पर भी लिखा हुआ है वो आंसर, ठीक है, मतलब तुम्हारी बुक, मान लो जो तुम्हारी बुक में कोई भी पेज नंबर 38 पर लिखा हुआ है, तो तुम्हें एक क्वेश्चन डालना है लाइकेन क्या है, और उसके बाद तुम्हें ऐसे डाल देना है, मान लो जैसे ये, अरे सॉरी, जैसे मान लो ये लिखा है जड़ों के 2 कार्य लिखिए। अब इसके तुम्हें कार्य नहीं लिखते घूमना है, ठीक है। यहाँ पर मान लो तुम्हारा कोई भी बुक है, बुक में पेज नंबर 48 यानी कि तुम्हारी अध्ययन है, तो तुम्हें डाल लेना है AD अध्ययन के पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 2 पर इसका आंसर है, तो तुम्हारा काम यहीं पर बन जाएगा। स्मार्ट स्टडी करनी है, यही टॉपर्स करते हैं, और यही मैंने किया था। और जब मेरा बायो सब्जेक्ट था, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, 68 या 69 नंबर आए थे मेरे 12th क्लास में बायो में, ठीक है, एंड बोर्ड्स में प्रोजेक्ट में कम हो गए थे, यानी कि 2 नंबर कम हो गए थे, तो 97 या 96 ऐसे कुछ नंबर थे मेरे बायो में। मैथ्स प्लस बायो हमारा दोनों था, ठीक है, तो मैथ्स में हमारे थोड़ा कम नंबर थे, 93, तो बायो के इंक्लूड हो गए थे। तो यही फ़ायदा होता है एडिशनल सब्जेक्ट का,
ठीक है, बाकी हम मैथ से आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो उसके ऊपर अलग डिपेंड हो जाता है ना। तो क्या करना है, हमने क्या किया था, सब कुछ नहीं पढ़ा था हम, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैंने साल भर नहीं पढ़ा था, लेकिन स्टार्ट लास्ट के जो 3 महीने वो मेहनत करी थी ना, 12-12, 11-11 घंटे की पढ़ाई, ठीक है, यही चीज़ करके कि 2 नंबर के अलग निकाले, 3 के अलग निकाले, 4 के अलग निकाले, फिर उनको मल्टीपल टाइम रिविज़न किया, एंड दिस इज़ द बेस्ट वर्जन यार, है ना। तुम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे और वही आती है फिर, है ना। चलो तो ऐसा तुम्हें कर लेना है और ये सबसे सही तरीका हो गया, ठीक है। अब तुमने यहाँ से क्वेश्चन ले लिए इस पेपर से, इसके बाद दोनों सेटों से क्वेश्चन ले लेना है और उसके बाद हम जो वीडियो दे उससे ले लेना है, ठीक है, दैट्स इनफ। ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें क्या करना है, अध्ययन ले लेना है या कोई भी तुम्हारे पास गाइड है उसको, ऑब्जेक्टिव का बता ही दिया था हमने तुम्हें कि कैसे क्या करना है, वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो जरूर देखना, चेक करना कैसे क्या पढ़ना है। एंड गाइज आज के लिए इतना ही, अपन को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज हुआ करेगी वीडियो के द्वारा आपको पहुंचाई जाएगी, और फालतू की वीडियो से दूर रहना है, लाइक पेपर वगैरह टेलीग्राम को डिलीट कर दो पूरी तरीके से, या अभी के लिए हाइड कर दो, या अभी के लिए बंद कर दो टेलीग्राम को, ठीक है। तो बस क्योंकि टेलीग्राम का काम नहीं रह गया अभी उतना, है ना, मतलब चलाना ही नहीं है हमें, फालतू के ग्रुप्स में पढ़ना ही नहीं है, या डिलीट में टेलीग्राम डिलीट करने को बोला था, टेलीग्राम ग्रुप्स डिलीट कर दो, ठीक है। चलो गाइस इतना काफ़ी है, एंड अब सिर्फ पढ़ो, ठीक है, ओके।